Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So if you guys are new to my channel, my name is Larisha and आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी अपने किचन एसेंशियल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस. सो जो सबसे पहली चीज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ वो है ये राइस कुकर. सो ये ब्लैक एंड डेकर का राइस कुकर है. ये मैंने पिछले थैंक्सगिविंग पे लिया था और मैं पहले राइस कुकर यूज नहीं करती थी. लाइक मेरे घर पे भी इंडिया में भी कभी भी राइस कुकर यूज नहीं करते थे एंड हमारे पास होता था लेकिन देन ऑल्सो हम प्रेफर करते थे कि पतीले में उबालें उसे राइस को. सो ये राइस कुकर है छोटा सा, लाइक चार लोगों के लिए सफिशियंट है. इसमें ये इसके अटैचमेंट्स हैं और इजी टू क्लीन है. आपको सिर्फ ये और इसका ये क्लीन करना होता है, दैट्स इट. और यहाँ पे एक बहुत कन्वीनियंट सा इसका एक बटन है. लाइक जब आप इसमें राइस कुक करेंगे तो यहाँ पे कुक दबाना पड़ता है आपको. ये कुक को स्विच करना पड़ता है और जब ये बन जाता है तो ये अपने आप ही क्लिक डाउन होके वार्म हो जाता है. बहुत कन्वीनियंट है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ता कि आपके राइस बन गए या नहीं बन गए. ये आप इस पर डाल दीजिए और ये अपने आप कुक होके स्विच हो जाएगा वार्म पे. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये हैमिल्टन बीच का हैंड ब्लेंडर. सो ये मैंने कॉस्को से लिया था, लाइक 3-4 महीने पहले लिया था. एंड ये मैंने क्रीम से बटर बनाने के लिए लिया था स्पेशली. सो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. सो ये हैमिल्टन बीच का हैंड ब्लेंडर है, बहुत ईजी टू यूज है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था. मैं इसका प्राइस हाईलाइट कर दूंगी वीडियो पे. सो ऐसे आप इसमें ये एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप इसकी वायर को स्टोर कर सकते हो. तो इसके साथ ये चार अटैचमेंट्स आ रखे हैं. मैं ये मोस्टली ये दो यूज करती हूँ. टू यूज है, लाइक आप इसमें देख सकते हो स्पीड्स के बटन दे रखे हैं तो आप इससे स्पीड बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो. यहाँ पे ये बटन दे रखा है जिससे कि आप इसके अटैचमेंट्स निकाल सकते हो. सो ये बहुत ही अच्छा हैंड ब्लेंडर है. अगर आप लोग हैंड ब्लेंडर ढूंढ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू परचेज दिस वन. इनएक्सपेंसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, इजी टू क्लीन है. सो दिस इज द सेकंड. जो थर्ड चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है ये मिक्सर. सो ये निंजा का मिक्सर है एंड ये बहुत ही पॉपुलर है. लाइक आपने सुना होगा कि निंजा एंड वीटामिक्स, सो दिस इज निंजा. सो ये बहुत बड़ा सा जार दे रखा है इसमें, 2.15 लीटर का जार है. एंड इसके साथ ये बहुत ईजी टू यूज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है. एक बार आपको इन्वेस्ट करना है एंड ये बहुत ड्यूरेबल है. लाइक मेरे को 4-5 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए. और इसके साथ आप लोगों का ऐसे 3 जार मिलेंगे, लाइक 2 मेरे अभी वॉश होने रखे हुए हैं. और ये भी बहुत अच्छा है, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो बना के. सो ये 3 मिलेंगे आप इसके साथ. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये जॉर्ज फॉरमैन का ग्रिलर, सैंडविच ग्रिलर. सो ये भी मेरा बहुत पुराना है, लाइक इसको भी 3-4 साल हो चुके होंगे और ये अभी भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है. लाइक आप देख सकते हो इसके अंदर अच्छा सा ग्रिलर है एंड ये भी ईजी टू क्लीन है. आपको क्या करना है, ये प्लेट्स आपके डिटैच हो जाते हैं. लाइक आप इसको यहाँ से हटाओ तो ये डिटैच हो जाएगा और ये सिर्फ प्लेट्स वॉश करनी पड़ती है और ये डिश वॉशर सेफ भी है. सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन हैमिल्टन बीच जूसर. सो लाइक पिछले विंटर हमने बहुत ज़्यादा कैरेट और चुकंदर का जूस पिया है एंड ये बहुत ही कन्वीनियंट है. लाइक इसके ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है आप. और ये मैंने टारगेट से लिया था पिछले थैंक्सगिविंग में एंड मैंने इसे बहुत यूज़ कर लिया है. सो दिस इज द जूसर एंड इसका एक अप मॉडल भी आता है, ब्लैक और स्टील कलर का होता है. बट ये व्हाइट और ग्रीन था इसलिए मैंने ये प्रेफर किया. बट नाउ आई रिग्रेट, मुझे वो वाला लेना चाहिए था. सो नेक्स्ट बार जब भी मैं लूंगी तो मैं वो वाला लूंगी. तो जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो है ये अप्पे स्टैंड. इसमें बहुत ईजिली अप्पे बन जाते हैं और ये क्वाइट पुराना है बट अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है. इसकी ये देख सकते हो कोटिंग बिल्कुल नहीं निकली है. सो ये नेक्स्ट है, इसमें मैं अप्पे बना सकती हूँ. इसमें मैं कभी कभी इडली भी बना लेती हूँ. सो ये प्रोडक्ट जो है मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये बनाना ब्रेड या फिर कोई केक के लिए. एंड ये मेरे पास बड़ी सी बेकिंग ट्रे है, इसमें कभी मैं खाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ या फिर बैगन को भूनने के लिए यूज़ कर लेती हूँ. सो ये बहुत ही बड़ी है. ये है नेक्स्ट जो है, ये है वेइंग स्केल. सो कभी कभी जब मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझे बेक करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ. सो ये भी बहुत पुराना है. सो नेक्स्ट है ये ग्रेटर. सो ये मैंने यहीं से खरीदा था ग्रेटर, कभी कोई भी चीज़ ग्रेट करने के लिए, पनीर हो गया और कुकुम्बर हो गया, मोस्टली मैं वही एक चीज़ इससे ग्रेट करती हूँ. ये छोटा वाला ग्रेटर है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी एंड ये मैं मोस्टली चाय में जब अदरक ग्रेट करना होता है तो मैं तब ये यूज़ करती हूँ.
सो नेक्स्ट है ये ब्रश जो मैं मोस्टली अपने पराठे में ऑयल लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हो तो एक बार यूज़ करके देखना, बिकॉज बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपका इवनली ऑयल या फिर घी जो भी आप पराठे में लगा रहे हो वो स्प्रेड हो जाता है। सो ये यूज़ करती हूँ, बहुत ईजी टू वॉश होता है। अब बात कर लेते हैं चॉपर्स की, तो मेरे पास दो चॉपर्स हैं। ये ऑक्सो का चॉपर है जो मैं मोस्टली बड़ी चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे अनियन या जो भी आपको ग्रेट कर जो भी चॉप करना है वो यहाँ पे प्लेस कर दो, इसे बंद कर दो, यहाँ पे आपका सारा कलेक्ट हो जाएगा। एंड ये भी इजी टू यूज़ है, सिर्फ आपको ये वॉश करना पड़ता है। तो चॉपर मैं मोस्टली डे टू डे यूज़ करती हूँ वो है ये टपरवेयर का चॉपर। बहुत छोटा सा है, इजी टू यूज़ है और इजी टू यूज़ है, इजी टू क्लीन है और बहुत ड्यूरेबल है। लाइक इसे 3 साल हो चुके हैं एंड अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छे से चॉप करता है। मोस्टली मैं अनियंस को चॉप करने के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ। अगर आप US आते हो तो मोस्टली हर अपार्टमेंट में या फिर घरों में इंडक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस, और इंडक्शन में रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जाली हर कोई परचेज करता है अगर इंडिया से US आ रहा हो। तो इसमें क्या होता है, इजीली आप अपनी रोटी तवे पे पका लो और इसमें रख दो तो ये अच्छे से फूल जाती है रोटियाँ। एंड ये वन टाइम परचेज है और ये बहुत जल जाता है, मतलब इसको भी 3-3.5 साल हो गए हैं और ये अच्छे से यूज़ हो रहा है। ये जाली मस्ट है अगर आप इंडिया से US आ रहे हो और आपको फूली हुई रोटी खाने पसंद है तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपका इंडक्शन वाला अपार्टमेंट है तो। जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये केटल। सो अगर आप इंडियन हो और चाय लवर है तो ये भी मस्ट है, बहुत इजी टू यूज़ है, कन्वीनियंट है। इसमें पानी और चाय उबाल लो और यहाँ से आप उसे निकाल सकते हो। बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही क्यूट सी है और बहुत सारी चाय बन जाती है इसमें। सो ये नेक्स्ट थिंग है। सो ये वाला जो पैन है मैं यूज़ करती हूँ तड़का लगाने के लिए, तड़का पैन है ये मेरा और ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही क्यूट लगती है। बहुत छोटा सा है, इसमें अच्छे से तड़का लग जाता है, कभी भी कोई दाल या किसी चीज़ के लिए तड़का लगाना हो तो ये मेरा छोटा सा तड़का पैन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।